Today, we'll go down in history. Love and Thunder is the number one movie in the world. It's a beautiful thing. It's a heartfelt superhero jam, an epic adventure. I loved it. Yeah! It's the best Thor film yet. How exciting. Feel the power of अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मार्वल और आज मैं आपको बताने वाला थॉर 5 की अपडेट जो लेटेस्ट कल परसों हुई आई है। उसके डायरेक्टर रिटर्न कर रहे हैं टाइका वाटीटी। हेलो अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको थॉर 5 के बारे में बता रहा हूँ। ये अपकमिंग आने वाली मूवी है। इसके डायरेक्टर टाइका वाटीटी हैं, जिन्होंने इससे पहले थॉर रैग्नारोक, थॉर 5, थॉर लव एंड थंडर और जोजो रैबिट्स डायरेक्ट की है। थॉर लव एंड थंडर को तो मैं 3 व्यूज मिली थी, बिकॉज ऑफ ह्यूमर उसमें ज़्यादा था, क्योंकि कॉमेडी की वजह से, क्योंकि वो थी कॉमेडी मूवी में। कुछ लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि गॉड द गॉड बूचर को उसमें इतना टेरिफाइंग नहीं दिखाया गया था जितना वो कॉमिक बुक्स में था। इस वजह से कुछ लोगों को पसंद नहीं आई वो मूवी, तो उसके रिव्यूज़ मिक्स थे। तो आपको मैं बताता चलूँ, इसी में टाइका वाटीटी ने बताया, जो उन्होंने अपनी विजन था मूवी का, वो मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने कट कर दिए। वो सीन्स जो वो थोड़े वायलेंट थे, मगर थॉर 5 में उन्होंने बोला कि हेला से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर होगा। और क्रिस हेम्सवर्थ कहते हैं, जो थॉर प्ले करते हैं, वो थॉर को तब तक प्ले करेंगे जब तक फैंस चाहेंगे, तब या जब तक उनका दिल भर नहीं जाता इस कैरेक्टर से और वो ह्यूज जैकमैन का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते।